वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम लोग मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पढ़ेंगे, जिसमें कि बहुत ही एक बेस्ट क्वेश्चन हमने लिया है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल 180 अंश होता है। आपको सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज में उसके तीनों अंतर कोणों का योगफल 180 अंश होता है। बच्चों लोग देखते हैं, इसमें लिखिए आपने सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल 180 अंश होता है। हमने एक ट्रायंगल लेट किया, माना त्रिभुज एबीसी है, जिसमें कि कोण ए, कोण बी, कोण सी है। हमने इसे और नोट कर लिया है, कोण एक, कोण दो, कोण तीन। कोण ए मतलब कोण एक, कोण बी मतलब कोण दो, कोण सी मतलब कोण तीन, मैंने इसको नंबर ही कर दिया है। इसके बाद हमने क्या किया है, इसमें दिया है एक त्रिभुज एबीसी, कर लिया ना। इसके बाद सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि तीनों अंतर कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, या कह सकते हो क्योंकि मैंने इसको नंबरिंग कर दिया है, कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन बराबर 180 अंश। तो बेटा इसमें आपको सिद्ध करना है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल 180 अंश। इतना चौक क्लियर हो गया। इसके बाद इसमें कह रहा है, हमने इसमें आपको रचना किया, इस ट्रायंगल में रचना किया, एक्स वाई पैरेलल टू बी सी खींचा। इस त्रिभुज में हमने बी सी भुजा के समांतर एक रेखा खींच दिया, नाम डाल दिया बच्चों इसको एक्स वाई। इतना क्लियर है। अब देखिए मैंने इसमें नंबर एक किया, यहां से स्टार्ट किया, वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ठीक है, वन टू थ्री फोर और फाइव, क्लियर है, क्लियर है ना। वन टू और ये थ्री हो गया, हम इसे डायरेक्ट सही कर देते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। वन टू थ्री फोर और फाइव, ये आपके हमने इनमें नंबरिंग कर दिया। अब बताइए कि उपपत्ति में हमने एक्स वाई पैरेलल टू बी सी है, इसलिए क्या बताएंगे, चूंकि ये जो आपकी रेखा एक्स वाई है वो इस त्रिभुज बी सी में, त्रिभुज एबीसी में भुजा बी सी के क्या है, समांतर है, क्लियर है ना। था ए बी और ए सी दोनों क्या है, तिरेक रेखाएं हैं। ए बी और ए सी क्या है, तिरेक रेखाएं। जानते हैं जब दो रेखाओं को एक तिरेक से काटती है तो जो ये कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण, एकांतर कोण। अतः जब ये तुम्हारी ये एक्स वाई बी सी के पैरेलल है तो इसको ये तीन रेखाएं काट रही है, इसका मतलब क्या है, देखो ये इसके बराबर है, यानी कोण दो बराबर कोण चार के, मैंने लिखा है कोण दो बराबर कोण चार, इसलिए इसके अकॉर्डिंग बोलेंगे एकांतर कोण के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी प्रकार इसे तुम्हारी ये समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, इसको कोई ये काट दिया तो इसके द्वारा जो आपको ये एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, एकांतर कोण, वो भी इक्वल होंगे। अतः यहां पर क्या है, पांच, यहां पर क्या है, तीन, क्लियर हो रहा है, कोण तीन बराबर कोण पांच, एकांतर कोण ये भी हो गया। बच्चा इतना क्लियर है। इसके बाद देखिए, अब लोग इतना मैटर क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए, समीकरण एक प्लस दो, यानी समीकरण एक और दो को हमने बहुत प्यार से ऐड कर दिया है, समीकरण एक और समीकरण दो को हमने ऐड कर दिया है, तो बाया पक्ष से दाया पक्ष को दाया पक्ष में जोड़ देते हैं, तो कोण दो में जोड़ेंगे कोण तीन, ये आपका आ गया, कोण चार में आपको जोड़ना है कोण पांच, ये आपका आ गया। मैंने इससे क्या कर दिया बेटा, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड करने के बाद अब देखिए आप, मैंने दोनों पक्षों में कोण एक जोड़ा है, दोनों पक्षों में मैंने कोण एक वन क्या कर दिया है, ऐड किया है, ठीक। तो यहां पर देखिए कोण दो प्लस कोण तीन था, मैंने यहां पर कोण एक ऐड कर दिया, दाएं पक्ष में भी कोण चार और पांच था, मैंने कोण एक ऐड कर दिया, ये दोनों कोण दोनों पक्षों में ऐड कर दिए, क्लियर है। इसके बाद आप देखिए कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन, ठीक, हमें यही तो करना था, 180 अंश लाना था, क्योंकि कोण एक किसके बराबर है, कोण एक, कोण एक बराबर कोण एक, कोण बी बराबर कोण दो, कोण सी मतलब कोण तीन है, क्लियर है। तो ये हमने इसको इक्वेशन चार कर दिया। अब आगे देखते हैं, चूंकि कोण चार, कोण चार, कोण एक और कोण पांच एक सरल रेखा के एक ही ओर बने कोण हैं, अतः इनका योगफल कितना होता है, 180
80 अंश होता है, तो कोण 4, कोण 1, कोण 5, ये पूरा कितना हो जाएगा 180 अंश। तो कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश, इक्वेशन 5 कर दिया। क्यों? अब लिखोगे सरल रेखा के एक योग बने कोण हैं, इसलिए इनका योगफल कितना होगा, 3 होगा, 180 अंश। अब देखिए ये इसकी वैल्यू कोण 4 कोण 1 कोण 5 की वैल्यू 180 अंश समीकरण मैंने किस में रख दिया है, 4 में। यहां पर मैंने लिखा क्या, अब समीकरण 4 हुआ 5 से, 4 समीकरण 4 हुआ समीकरण 5 से। बच्चों समीकरण 4 5 को देखेंगे तो इसकी जगह में कितनी वैल्यू आई बेटा, 180 अंश ये यहां रख दिया, तो ये आपका हो गया। और इसकी वैल्यू कितनी है, 180 अंश मैंने यहां रख दिया, क्लियर है। अब बताइए कोण 1 को आपने क्या कहा था, कोण 1 यानी कोण ए, कोण 2 मतलब कोण बी, कोण 3 कोण सी, तो कोण 1 जगह में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो बेटा ये आपको प्रूफ करना था, जो आपको प्रूफ करना था वो आपका आ गया है। अतः आप कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर बच्चों अभी आप जो है हमारे ग्रुप में बिल्कुल नए हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बहुत जल्दी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, स्टूडेंट्स कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।